हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। साल भर में कुल चार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में कि नवरात्रि में कलश की स्थापना क्यों करते हैं, इस वर्ष चैत्र घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि की पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कलश स्थापना कैसे की जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कलश स्थापना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो आपको बता दें कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से साफ किया जाता है। फिर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश स्थापना के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। इस वर्ष चैत्र घट स्थापना शनिवार 2 अप्रैल को है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से लेकर 8:31 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट है। वहीं घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:57 तक है। चैत्र नवरात्रि की पूजा सामग्री में माँ दुर्गा की फोटो, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, चूड़ी, सुगंधित तेल, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पानी वाला जटायुक्त नारियल, बंधनवार आम के पत्ते, फूल, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ, पटरा, आसन, पंचमेवा, घी, लोबान, गुगुल, लौंग, कमल, गट्टा, सुपारी, कपूर और हवन कुंड होते हैं। साथ ही हवन कुंड, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमल गट्टा, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद, शहद, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, लाल रंग की गोटेदार चुनरी, रेशमी चूड़ियाँ, सिंदूर, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, धूप, अगरबत्ती, माचिस, कलश, साफ चावल, कुमकुम, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, हवन के लिए आम की लकड़ी, जौ, घी या तेल होते हैं। इसके साथ ही फूल, फूलों के हार, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, असली कपूर, फल व मिठाई, दुर्गा चालीसा व आरती के किताब, कलावा, मेवा आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई कर सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखें। साथ ही एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। आपको बता दें कि नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश भी स्थापित किया जाता है।